आइए सारे दोस्तों को मनोज त्रिवेदी का प्रणाम है। हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज फिर एक बहुत ही अच्छा ठेका और ठेका के साथ में एक उठान आपके बीच हम लाने का प्रयास किए हैं। बहुत दिन से सब लोग का फरमाइश था कि सर उठान बताइए, उठान बताइए। तो आज बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही अच्छा उठान, जो वो उठान आपको कीर्तन भजन में जान आ जाएगा, वो उठान जो आपके हाथ से तुरंत बच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, वो उठान आपके बीच। उठान और ठेका ये दो चीज लेकर के आए हैं कि उठान करके उठान के बाद ठेका में आप कैसे प्रवेश करेंगे, इसको बारीकी से हम बता रहे हैं। पहले हम जरा सा बजा रहे हैं, इसके बाद कब आपको हम बारीकी से बताएंगे आज क्या देने वाले हैं, आज इस वीडियो में क्या देने वाले हैं। सबसे पहले आज देने वाले हैं उठान। देखिए पहले उठान कितना बेहतरीन है, ये जो उठान है बहुत बेहतर उठान है, अच्छा अच्छा प्रोफेशनल लोग बजाते हैं। बात को समझिएगा, ताते ते में ही खेल है, बस इतने हो जाना है, यही हो जाएगा, फास्ट होगा तो। ये है ठेका, उठान क्या है, बात को समझिएगा, बस इतने बजाना है। धाते के बाद फिर ठेका में आ जाना, उठान बहुत बेहतरीन है। आइए अब आपको बारीकी से बता रहे हैं, सबसे पहले आपको बता रहे हैं ठेका। ठेका पहले समझ जाइए, ताकि ठेका के पहले आपको उठान लेना होगा, तो पहले ठेका बजाने लगेंगे तब उठान सीख लेंगे, इसके बाद उठान करके उठान के बाद ठेका पे आपको जाना है। सबसे पहले बोल छोटा सा आपको हम दे रहे हैं, धा तिट्टी नग धिट्टी, बस इतने बोल, धा तिट्टी नग धिट्टी, बस इतने बोल रहे, पहले इसको सीख लेकिन आपको लगता होगा कि छोटा सा बोल है, लेकिन यदि तैयारी हो गया, यदि आपके हाथ में आ गया तो यही बोल कहर कर देगा कीर्तन भजन। बहुत गजब का बोल है, अब इसको विस्तार से दे रहे हैं, गौर से हेडफोन पहन ले और बारीकी से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट फिंगर और धार, जो लोग खुला मारते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप खुला मार दिला सकते हैं, खुला या बंद बाया, ये फर्स्ट फिंगर ये किनारी पर देख लीजिए आघात करना है, क्या करना है, धा धा दोनों साथ में धा, फिर फर्स्ट फिंगर से ती टे, ती भी फर्स्ट फिंगर से बजेगा, ध्यान रखिएगा, धा ती टे ती टे, क्या यहां से निकलेगा, ती फर्स्ट फिंगर से निकलेगा, ध्यान रखिएगा, धा ती टे कुछ नहीं है, धा ती टे, बस जैसे आपके हाथ में आएगा धा ती टे, दो मिनट रियाज कर लेना है, जो हमारा स्टाइल है बताने का, धा ती टे 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 धा ती टे, दो मिनट करेंगे तो आपके दिमाग और हाथ में आ जाएगा। चलिए एक बोल आ गया आपका, आधा धातिट आ गया, अब आपको लाना है नग धिट, तो अब धातिट नग न यानी फर्स्ट फिंगर से न, और ये बायां हाथ का ये फर्स्ट फिंगर से ग निकलेगा, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसे टच करेंगे तो ग निकलेगा, तो क्या होगा, धातिट
नग धीटे, धी में क्या होगा, ये फर्स्ट फिंगर यहां लगेगा और बाया का घिस्सा लगेगा, यदि घिस्सा देंगे तो ये ताल खूबसूरत हो जाएगा। धा टीटे नग धीटे, नग धीटे एकदम आपके हाथ में आना तय है। देखिए कितना स्लो में बजा रहे हैं, धा टीटे नग धीटे, जैसे आपके हाथ में आया बस तुरंत आप दो तीन मिनट एकदम कोई काम मत कीजिए, दूसरा ताल मत बजाइए, जैसे दिमाग में आ गया कि ऐसे निकल रहा है, हाथ में आ गया धीरे धीरे, बस इसी को निरंतर आप 5 मिनट बजाइए आपके दिमाग में और हाथ में सेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 मिनट बजाना है, आपको बजाते रहना है, जितना ज्यादा बजाइएगा तब ना तेज होगा। ये तो हाथ में लाने के लिए बोल रहे हैं कि 5 मिनट पहले ला लीजिए ताकि भूले नहीं आप। धा टीटे नग धीटे, अब जैसे पहले कैसे निकलेगा आपसे, धा टीटे नग धीटे ऐसे निकलेगा। जब दो चार आली बजाइएगा तो देखिए कैसे फ्रेश होते जाएगा, धा टीटे नग धीटे, 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 यही फास्ट हो जाएगा, धा टीटे नग धीटे, धा टीटे एकदम फास्ट हो जाएगा। कीर्तन भजन में कितनो फास्ट मांगेगा गवैया, आप खूब आराम से बजा कर दे पाएंगे, लेकिन शुरुआती करना है धा टीटे नग धीटे। चलिए ये आ गया बोल, धा टीटे नग धीटे, धा टीटे बहुत अच्छा बोल है। इसको करने के बाद अब आ जाइए उठान। देखिए उठान इतना अच्छा तरीके से आपको बता रहे हैं, उठान खाली गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को करना है ता, ता ता बहुत बार आएगा उठान में, तो ता कैसे निकलेगा, देखिए बाया का जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं। ऐसे मारते हैं खुल्ला धा, इसका नाम है धा, और जैसे इसको चाप देते हैं ऐसे, ऐसे चापे बस ये हो गया ता, बस यही चापना है, और धीरे से नहीं चापना है, थोड़ा प्रेशर में चापना है, हाँ धीरे से नहीं, तब वो खिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा प्रेशर में चापना है। बोल है ता टीटे, क्या है ता, वही चाप के फर्स्ट फिंगर से ता और फिर टीट, देखिए ता टीटे, ता टीटे, ता टीटे, ता टीटे, सॉरी बोल को समझ के आपको बताना पड़ रहा है। देखिए होता क्या है कि हम लोग के बीच हमारे पास भी बहुत सारा बोल है, उसको बहुत सिस्टम से लेकर चलना होता है, कभी कभी हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर में बोल जरा सा चेंज हो जाएगा ना तो कहरवा से दादरा बन जाएगा, दादरा से कहरवा बन जाएगा, इसलिए बहुत बारीकी से समझ के, जैसे धा टीटे, धा टीटे नग धीटे, धातिटी नग धीटे, धातिटी नग, ये कहरवा बन गया 6 मात्रा, और अभी जो आप सिखाए हैं आपको हम दादरा सिखाए, दादरा बन गया, अभी जो सिखाए हैं वो कहरवा है, धातिटी नग धीटे, धातिटी नग धीटे, ये हो गया कहरवा, और धातिटी नग धीटे, धातिटी नग, ये हो गया दादरा, तो इसलिए बहुत बारीकी से समझ के बजाना पड़ता है। धातिटी धा, धातिटी धा, धातिटी धा, धातिटी, ये बोल है उठान का, ता ते ते ता ता ते ते, देखिए यहाँ एक मात्रा का खेला क्या है, सबसे पहले आपको बजाना है ता ते ते, ता ते ते ता, ये तुरंत लगेगा, इतना एक फेज हुआ, ता ते ते ता, ता ते ते ता, एक फेज, ता ते ते ता, फिर मारना है ता ते ते ता, देखिए ता ते ते ता, ता ते ते, ता ते ते ता के बाद ता ते ते तुरंत लगेगा, ये ध्यान में रखना है, ये टाइमिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तब उठान बजा पाइएगा। पहले है ता ते ते ता, इतना बजा लेना है, ता ते ते ता, इतना बजा लेना है पहले, ता ते ते ता, तो ता जैसे मारेंगे तुरंत ता ते ते तुरंत लग जाएगा,
लगेगा, इसमें लेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यदि इसमें लेट करेंगे तो मात्रा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए गौर से समझेंगे। ता ते ते ता ता ते, ठीक है, ता ते ते ता ता ते ते, ता ते ते ता ता ते ते, ता ते ते धा, ता ते ते धा धा ते ते, बस इतने काम है। ता ते ते ता ता ते ते, ता ते ते धा धा ते ते, धा में खुला बाया, ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल है। ता ते ते ता ता ते ते, ता ते ते धा धा ते ते, पूरा बजा के दिखाते हैं। दोनों को कंपरमाइज करके दोनों को मिला के चलना है आपको। क्या बोले, हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप जरूर समझ गए होंगे। ये उठान के बाद जो ठेका दिए हैं, धा तिटे नग धिटी, धा तिटे नग धिटी, यही बजाना है। बहुत अच्छा ठेका है। चलिए, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोग को, इसी तरह सीखते रहिए, वीडियो डालते रहिए। आपको एक सूचना दे दे कि इसमें तो हम ताल बारीकी से बताते हैं, एक नया चैनल मेरा है, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से उस चैनल पे भी जाकर सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करेंगे। उसमें गाना और भजन के साथ कैसे कैसे कहां कहां पिकअप लगेगा वो बताते हैं, उसमें भी विस्तार रूप से बताते हैं। आपके लिए दोनों फायदे का चैनल है ये चैनल में आप ढोलक बजाना बारीकी से सीखेंगे और ताल सीखेंगे, और उस चैनल पे आप गाने के साथ भजन के साथ कैसे लगाएंगे टुकड़ा, कैसे उठान होगा, कैसे दहिंद होगा वो बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को आप प्यार दें। आइए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गाना का फरमाइश कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल से इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो लग रहा है उनको कि हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रयास हमारा अच्छा है, बताने का तरीका अच्छा है, तो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लेसन लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें, प्रणाम।